नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखर। लगातार पंचायत चुनाव से संबंधित अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे थे, तो उसके बाद जो है जो चुनाव नतीजे जो घोषित हुए हैं वो भी हम आपको लगातार गांव-गांव जाकर के बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। ऐसे में सिरसा जिला की दो पंचायतें जो है वो काफ़ी लाइमलाइट में लगातार उनका चुनाव जो है वो चल रहा था। नंबर एक पर बात करूँ तो बनी गाँव का और दूसरे नंबर की अगर बात करूँ तो जमाल गाँव का। बनी गाँव में मैंने आपको इससे पहले अपडेट दिखाई थी कि 68 वोटों से नैना झोरट जो है वो विजयी हुई थी। काफी कंटे की टक्कर का मुकाबला वहां पे देखने को मिला था। तो दूसरे गांव की अंदर आज मैं आपको ले चलता हूं। सरपंच प्रतिनिधि हैं लीलू राम डूडी, ओम प्रकाश डूडी, प्यार से लीलू डूडी भी इनको बुलाते हैं। और जमाल गांव से अभी सरपंच जो है ये बने हैं। और अगर बात करूं तो लगभग सिरसा जिला ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की अगर बात करूं तो पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने की खबरें अभी तक जो है वो मिल रही हैं। 2928 वोटों से जो है वो जीत दर्ज लीलू राम डूडी ने की है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। लीलू जी, अगर बात करें तो बहुत बड़े मार्जिन से जीत आपकी हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों को, क्या मैसेज? सबसे पहले तो रमेश जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मेरे घर पर आए हो। और दूसरा, मैं सारे गाँव को हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि मेरे को पूरा प्यार प्रेम दिया और पूरा सहयोग दिया, तो इसके लिए मैं गाँव का धन्यवाद करता हूँ और आभारी हूँ। तो मेरे को यही लगता था कि गांव है एकजुट होकर काम करेगा और मेरे गांव ने मेरे लिए एकता दिखाई है। ठीक है, अब अगर बात करें तो काफ़ी बड़े मार्जिन से आपने जीत दर्ज की है, यानी कि पूरा का पूरा गांव एक तरफ आपकी ओर समर्थन दे रहा था। उसके बाद अब आपकी प्रायोरिटियां क्या कुछ रहेंगी गांव के विकास के लिए, युवाओं के मुद्दों के लिए, तमाम जो मुश्किलें जो लोगों को आ रही हैं उनके लिए क्या प्रयास? हमारे यहाँ पर टाइल पर पड़ता है जी, हमारा गाँव राजस्थान का टाइल लगता है, राजस्थान का बॉर्डर लगता है। यहाँ पर जमाल गांव सबसे बड़ा गांव है। यहाँ पर सबसे पहले तो पानी की दुविधा है, पीने के लिए तो पानी है ही नहीं और नहीं लगाने के लिए है। तो नहर नाली की सबसे ज़्यादा गौर करूँगा और पानी ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करूँगा। और पीने के पानी की है तो पीने के पानी की पूरा प्रबंध करूँगा मैं। जैसे आज ही JCB डाली हुई है नाली के अंदर, आज भी डाली है, सफाई कर रही है। हाँ, तो मेरा जितना भी सहयोग होगा मैं गाँव को उतना ही करूँगा। सबसे पहले क्योंकि एक लगातार मुद्दा भी आपके चुनाव के अंदर यही था कि किसानों को पानी जो है वो खेतों में सिंचाई के लिए घग्गर से जो पानी आता है ओटू एड से, वो पानी यहाँ पे नहीं पहुँच पाता है, तो उसका रीज़न क्या मानते हैं, पानी क्यों नहीं पहुँच पा रहा है, खुदाई सही ना होने के कारण या पानी थोड़ा कम जा रहा है? एक तो सही से सफाई नहीं हो रही है जिसकी, दूसरा राजनीति चल रही है। एक कोई पानी चलवाता है तो दूसरा बंद करवा देता है, दूसरा जाता है तो चलवाता है तो तीसरा बंद करवा देता है। मैं ये राजनीति नहीं चलने दूंगा। गांव हमारा गांव है वो मरनी में आ गया है। गांव को फिक्र किसी को नहीं है, उनको सभी को वोटों की लगी हुई है और मैं ये बिल्कुल ही नहीं होने दूंगा। मैं जितनी कोशिश होगी पानी लाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा अगर बात करें तो गांव में जो मूलभूत सुविधाओं की कमी है, चाहे वो खेल स्टेडियम है या दूसरे युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करना है, नशे का सबसे ज़्यादा मुद्दा आपके चुनावी में उसके अंदर रहा, चुनावी मैनिफेस्टो के अंदर भी रहा, तो उससे कैसे निपटें? नशे का तो ऐसे जी, मैं गांव में एक टीम बनाऊँगा, हर घर परिवार को हर यही बोलूँगा टीम बना के कि जिनका भी बच्चा नशा करता है उनको दवाई दिलाई जाए, एडमिट करवाई जाए, जैसी ट्रीटमेंट मिले तो नशे से दूर किया जाए। अगर इससे नहीं होगा तो गांव के बच्चे समझाएंगे, जो भी बच्चे साथ में रहते हैं उनसे यही वंदना करता हूं मैं तो कि वो जाकर घर घर समझाए और नशे से दूर रहे। ठीक है, खेलों के लिए किस तरह का प्रयास, क्योंकि इससे पीछे भी आपने काफ़ी अच्छा प्रयास किया था खेलों के लिए, अब आने वाले समय में कैसा रहे? खेलों के लिए बच्चे जो भी मेरे को बोलेंगे तो मैं आधी रात को तैयार हूँ, जो भी खेल कहेंगे उनको करवाने के लिए तैयार हूँ। मैं तो कहता हूँ कि इस नशे से दूर रहकर पढ़ाई में ध्यान दें और बच्चे खेलों में भाग लें ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा और भी बहुत मुद्दे हैं, गलियों का विकास है, एक लगातार चर्चा ये चलती है कि जो सरपंच बन जाता है वो जो लाभार्थी होते हैं किसी भी योजना के, वो सरपंच के अपने जो चहेते होते हैं उनको लाभ जल्दी दे दिया जाता है, बाकी रह जाते हैं। नहीं जी, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तो गांव के साथ, जैसा मेरे साथ गाँव ने किया है उतना ही मैं गाँव को सहयोग करूँगा। हर गरीब अमीर मेरे एक जैसे ही होंगे और सभी का मैं सम्मान करूँगा। यानी कि सभी ने मिलके आपको वोट दिया, आपको जितवाया है, तो समान रूप से विकास? हाँ, सभी का एक सा समान होगा जी। ऐसा ही मेरे भाई का होगा तो ऐसे ही किसी गरीब का होगा, सभी का एक सा समान होगा जी। अब एक लीलू जी, चर्चा आपके चुनाव से पहले भी चल रही थी कि जमाल में लीलू और ऊपर बिल्लू, तो जमाल में लीलू तो आ गए हैं, ऊपर की क्या आपको? ऊपर की तो क्या कह सकते हैं, पहले जी पहले क्या पता चलता है ऊपर का तो। हाँ,
ऊपर का तो पहले कह नहीं सकते, बाकी अच्छी जीत हुई है और मैं गांव का आभारी हूँ बहुत बहुत। गांव ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है, दिल से लोग जुड़े हैं, वोटर भी वोट मांग रहे थे मेरे लिए। हाँ जी, ठीक है। तो जीत को लेकर के आप इतने आश्वस्त थे कि इतनी बड़ी जीत, इतने बड़े मार्जिन से जीत आप? जीत का तो मेरे को पता था जी, जीतूंगा तो जरूर, कोई आ जाए जीतूंगा जरूर, पर नहीं तो मेरे को शराब बांटनी थी, नहीं मेरे को पैसे बांटने थे। मैं एक निस्वार्थ होकर चुनाव लड़ रहा था, गांव की तरफ से लड़ रहा था, गांव भी मेरे अच्छा पक्ष में था। और जैसे जैसे टाइम निकलता गया हमने मजबूती की, मजबूती के साथ गांव उतरा है और गांव की एक तरफा जीत है, ये गाँव की जीत है, मेरी नहीं है, पूरा का पूरा गाँव है जमाल, उसकी जीत है। हाँ जी, जो विकास होगा वो समस्त गांव का ही? हाँ, समस्त विकास होगा जो गांव का ही होगा। अंत में अगर बात करें तो लोगों को क्या मैसेज, क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव के दौरान थोड़ा आपस में मन मुटाव जो है वो हो जाता है, तो उसको लेकर के गांव के लोगों से क्या? नहीं जी, हमारा तो कोई मन मुटाव नहीं है। जैसे शारदा देवी प्रहलाद खड़े थे, कैंडिडेट थे वो भी, और सरोज है पुत्र बद्धू राम मूर्ति, उन दोनों के घर पर मैं खुद जाके आया हूँ आज सुबह ही, दोनों से अच्छी तरह से मिल के आया हूँ, उन्होंने यही कहा है भी कोई गलती है तो मेरे को बताओ। तो मैं तो एक यही चाहता हूँ कि सभी मेरे लिए समान है, मैं ये नहीं मानता कि वो दुश्मन है, नहीं, वो भी कैंडिडेट थे, मेरे थे, मेरे गाँव के थे, भाई थे। मैं तो सभी के लिए यही कहता हूँ कि सभी प्रेमी है, सभी भाईचारा रखें और मिल बाँट कर खाएँ। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो एक अनूठी मिसाल जो है वो यहाँ पे पेश की है लीलूराम डूडी ने, समाज सेवी के नाम से इनको जो है वो जाना जाता है। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि किसी के साथ इनका मन मुटाव नहीं है। ठीक है, चुनाव के दौरान जो है वो मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इनके वो भी मतभेद नहीं थे। और चुनाव जीतने के बाद जो सामने जो दो प्रत्याशी खड़े हुए थे उनके पास सर्वप्रथम जा करके उनसे जो है वो मुलाकात की और किसी भी तरह का कोई मन मुटाव ना रखने की अपील की। और गाँव के लोगों से भी यही अनुरोध किया है कि किसी भी तरह का कोई मन मुटाव ना रखें, चुनाव के बाद चुनाव तक सीमित रहने दें, उसके बाद गांव के अंदर भाईचारा जो है वो काम आना है। तो ऐसे में लीलूराम डूडी का साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय में समस्त गांव के लोगों ने एकजुट होकर के इनको जो जितवाया है उसी तर्ज पे आगे जो है वो गांव का विकास एकजुटता के साथ जो है वो लगातार देखने को मिलेगा। और घग्गर नदी का जो पानी लाने में अहम भूमिका ये अदा करने वाले हैं, ऐसा इनका कहना है। आने वाले समय में देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट होती है, क्या गाँव के लोगों को पीने के पानी के साथ साथ सिंचाई का पानी भी मिल पाता है या नहीं मिल पाता, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी चुनौती जो है वो लीलूराम डूडी के लिए ये रहने वाली है। दूसरा अगर बात करें तो नशे को लेकर के भी लीलूराम डूडी जो है वो काफ़ी प्रयासरत हैं, पीछे भी और आगे भी आने वाले समय में भी रहेंगे कि गांव का नाम जो नशे के लिए जाना जाता है वो गाँव जो है वो नशे से दूर हो करके एक अग्रणी स्थान के अंदर जो है वो गाँव का नाम लगातार लिया जाने लगे। खैर, आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है लगातार अपडेट जमाल गाँव से जुड़ी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। और इस वीडियो को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी विकास के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।